एवरीवन के मनाचो तो सीक्रेट इन्वेजन के ट्रेलर पे बहुत से रिव्यू वीडियोस बिग क्रिएटर्स जैसे पीजे सर सुपर सुपर कॉमिक वर्स ने बनाए हैं जिनकी वीडियो ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, तो मैं एक और रिव्यू वीडियो बनाकर वाईटी प्लेटफॉर्म नहीं भरना चाहता। एंड व्हाई वुड एनीवन वांट टू सी माय रिव्यूज राइट नाउ, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। आई एम अ न्यू क्रिएटर बट आई हैव पोटेंशियल, तो मैंने रिव्यू नहीं पर व्हाट इफ की कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन में क्या होता है उस पर वीडियो बनाई है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गुप्त आक्रमण उर्फ सीक्रेट इन्वेजन क्या है एंड व्हाट इफ ये वीडियो चल जाए। सबसे पहला सवाल ये है कि स्कल्स पृथ्वी पे आए कैसे। तो एमसीयू की स्टोरी लाइन में स्कल्स की एंट्री 2019 की कैप्टन मार्वल मूवी से हुई, लेकिन कॉमिक्स में ये कुछ अलग कारणों से पृथ्वी पे आए थे। स्कल्स यहाजन की अंतिम उत्तराधिकारी प्रिंसेस वेरोंग के स्कल होमलैंड के विनाश की भविष्यवाणी के बारे में लोगों को बताती है। वर्तमान सम्राट डोरेक उसे धार्मिक उग्रवाद को उकसाने के लिए जेल की दुनिया में पटकता है, तो दूसरी तरफ एक कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस आके उनका प्लेनेट पेल जाता है। वेरोंके की कई भविष्यवाणी सही होती है और वेरोंके डायनेस्टी की अंतिम उत्तराधिकारी होने की वजह से महारानी बन जाती है और पृथ्वी पर आक्रमण का मार्गदर्शन करती है। अब व्हाट इफ में सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी दो तरह से बताई गई है। पहली स्टोरी पूछती है कि क्या होगा यदि स्कल्स ने सीक्रेट इन्वेजन जीत लिया और मानव जाति की स्वतंत्रता जैसी चुनौतियों का समाधान किया। अर्थ 3290 में स्कल्स पृथ्वी पे अधिकार करने की अपनी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। कुछ ह्यूमंस को अधिकार के साथ ही स्कल्स में बदल दिया गया होता है। दी एवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम जो कि अर्थ 3290 का सुपर हीरो ग्रुप होता है, जिसके मेंबर्स कैप्टन अमेरिका 2, ब्लैक पैंथर, ब्लू मार्वल, ह्यूमन टॉर्च, एक बहुत पियक्कड़ आयरन मैन, नॉर, मिस मार्वल, नाइट थ्रेसर 2, स्पाइडरमैन, स्पाइडर वुमन 2, स्टॉर्म, थिंग, थॉर और वुल्वरीन होते हैं, जिनको पूरी पृथ्वी के लिए आतंकवादी माना जाता है। अब स्कल्स की एनिवर्सरी पार्टी में अचानक से कोई कैप्टन अमेरिका की समुद्री डाकू वाली फुटेज प्ले कर देता है, जिसमें कैप्टन बोलता है कि पृथ्वी स्कल्स के कब्जे में है। नॉर्मन ऑसबॉर्न स्कल्स की क्वीन वेरोंके से बोलता है कि एवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम इस समय वाकांडा में छिपे हैं और यही सही वक्त है उन्हें कुचल देने का। एक तरफ वुल्वरीन को स्कल्स के खिलाफ यूज करने के लिए आखिरी लेगेसी वायरस का सैंपल मिलता है, तो दूसरी तरफ वेरोंके संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश होती है और उसे वाकांडा पर हमला करने और एवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम को नीचे ले जाने की स्वीकृति मिल जाती है। ऐसे ही वाकांडा में एवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम वायरस तैयार करती है, स्कल्स की सेना वाकांडा पर हमला कर देती है, अवेंजर्स उन्हें खदेड़ने के लिए हरकत में आते हैं। थोड़ी झड़प के बाद स्कल्स सेना वैक्सीन जारी करने वाली तोप नष्ट कर देती है, लेकिन थॉर अपनी शक्तियों का उपयोग करके वायरस को दुनिया भर में फैलाने में कामयाब होता है, लेकिन वायरस का असर उल्टा पड़ जाता है। स्कल्स के साथ जो मनुष्य परिवर्तित हुआ था वो भी नष्ट हो जाता है। अवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। असल में हराम को नॉर्मन ऑसबॉर्न निकलता है, वो बताता है वह जो चाहता था उसे पाने के लिए यह सब एक चाल थी। आयरन मैन की शराब के कारण स्पाइडरमैन ने ऑसबॉर्न को वाकांडा में घुसपैठ करने में मदद की, लेकिन स्पाइडी को यह उम्मीद नहीं थी कि ऑसबॉर्न वाकांडा की सरहद पार कर जाएगा और वायरस बदल देगा। ऑसबॉर्न ने वायरस का इलाज बनाया था ताकि वो बच सके। गुस्से में कैप्टन अमेरिका ऑसबॉर्न का सर ढाल से अलग कर देता है और इसके बाद एवेंजर अलायंस ऑफ फ्रीडम संयुक्त राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब अर्थ 3290 में ये सब कालाकांडी हो रही थी, तो दूर चंद्रमा पर बैठा व्हाट डू दी वॉचर्स सिर्फ विलाप कर रहा होता है कि मल्टीवर्स की यह पृथ्वी आकर निकली कैसी। एमसीयू और मार्वल कॉमिक्स में व्हाट डू का अलग ही चलता है, सब गलत सही देखेगा लेकिन उसमें कभी भाग नहीं लेगा, कमाल है। तो चलिए यही अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं। वीडियो में कहीं भी आपको मजा तो कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते बस इतना ही कि सब्सक्राइब द चैनल। आसमान को छू लूं।